मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आयुर्वेद के विषय में। आयुर्वेद कितनी महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, आज मैं उन सब बच्चों का भ्रम दूर करने वाला हूँ जो इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं और अपने आप को निराश कर रहे हैं और वो समझते हैं कि आयुर्वेद से हम समस्त प्रकार के रोगों का इलाज नहीं कर सकते। देखिए, आयुर्वेद सबसे सस्ती, कामयाब, सरल चिकित्सा पद्धति है। ये जो हमारी चिकित्सा पद्धति है ये 2500 वर्ष पुरानी है, जबकि एलोपैथिक जो चिकित्सा है वो केवल 200 वर्षों से ही शुरू हुई है। आप सोच लीजिए, इतने अंतराल में केवल आयुर्वेद चिकित्सा से ही सभी उपचार किए जाते थे, संपूर्ण इलाज आयुर्वेद चिकित्सा से ही किया जाता था। 2500 वर्ष पुरानी पद्धति है हमारी। हमारे ऋषि मुनियों ने 2500 वर्ष पहले ही आयुर्वेद की स्थापना कर दी थी, जबकि एलोपैथिक चिकित्सा केवल 200 वर्ष पुरानी है। और ये जो जड़ी बूटी चिकित्सा है, ये जो जड़ी बूटी से चिकित्सा की परंपरा है, ये इतनी पुरानी होने के बावजूद पिछड़ती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हम सब जो इसमें विश्वास नहीं कर पाते और तुरंत दौड़ करके एलोपैथी चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं। देखिए, सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया एवं शालक्य क्रिया के बारे में भी काफी कुछ वर्णन किया गया है और आज भी जहां पर अस्पताल या चिकित्सक नहीं है, यही ग्रामीण चिकित्सा पद्धति अपना करके लोगों का इलाज किया जाता है। आप एक मोटी सी बात जानिए, यदि रात्रि में गांव में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाती है तो वहां तो कोई सुविधा उपलब्ध है नहीं, तुरंत गांव की दाई को बुला लिया जाता है जो एकदम अनपढ़ होती है, अशिक्षित, परंतु उसके पास अनुभव होता है जीवन का और वही प्रसव करा देती है। कैसे कराया? केवल आयुर्वेदिक पद्धति से कराया है। और कुछ नुस्खे तो ऐसे हैं, जैसे बाय का दर्द है, बच्चों के लिए जन्म गुट्टी, वायरल इन्फेक्शन, कीड़ों का काट जाना, पेट में गैस बनना, एसिड बनना या हाजमा खराब हो जाना, इन सब का सफल इलाज केवल और केवल आयुर्वेद में ही संभव है। आपने सुना होगा, पुराने समय में हमारे यहाँ के जो सपेरे होते थे वो सांप के काटे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया करते थे, ये भी आयुर्वेदिक पद्धति थी, आयुर्वेद से जुड़ी हुई चिकित्सा ही थी वो भी। आज हम इन सब चीजों को भूल चुके हैं और एलोपैथी को अपना लिए। देखिए, यहां मैं उन बच्चों को अवगत कराना चाहता हूं जो BAMS करके या इसी प्रकार की अन्य उपाधि प्राप्त करके चिकित्सा पद्धति में आए हैं, चिकित्सा जीवन से जुड़े हैं और अपना रोजगार चाह रहे हैं, वे घबराए नहीं। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने BAMS करने वाले सभी चिकित्सकों के लिए 58 तरह की सर्जरी अलाउ की है, 58 प्रकार की सर्जरी अलाउ की गई है उनके लिए, जिसमें हड्डियों की चिकित्सा, आंख, कान, नाक और गले की चिकित्सा सभी शामिल है। और करोड़ों व्यक्ति आज आयुर्वेद की इसी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं और अपना रोजगार चला रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विषय में ये पुराना इतिहास बताने की कोशिश की है। आप इसको कितना समझ पाए हैं, आप इससे कितना निर्भीक हो पाए हैं,
और एक और बात बता आपको बताना भूल गया मैं, कि जो BAMS चिकित्सक हैं उनके लिए एक पूरी लिस्ट है एलोपैथिक औषधियों की भी, जिनको वे अपनी चिकित्सा पद्धति में अपने चिकित्सा में शामिल कर सकते हैं और निर्भय होकर दे सकते हैं। ये इंडियन मेडिकल काउंसिल ने अलाउ किया है। ये लिस्ट आप गूगल से भी निकाल सकते हैं या अपने नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या जो मुख्य चिकित्सक होते हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी प्रत्येक व्यक्ति जल्दबाजी में है और उनको एलोपैथिक चिकित्सा से अधिक प्रेम हो गया है। वे शीघ्र अति शीघ्र लाभ चाहते हैं। हमारे जो BAMS चिकित्सक हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, वे भी एलोपैथिक मेडिसिन इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि इसके आदि ना बने। जो जीर्ण रोग हैं, पुराने रोग हैं, उनमें आप अपना आयुर्वेदिक चिकित्सा को ही अपनाएं और रोग का कारण जान करके उसको दूर भगाएं। अनेक नुस्खे हैं, अनेक साहित्य हैं, आपका अपना अनुभव है, आपका पर्सनल फाइंडिंग है, ये सब मिलकर के आपको सफलता अवश्य देगा और आप सफलता की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, और जो मित्र हमसे पहले बार जुड़े हैं उनके लिए अति आवश्यक है कि वे सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ें और आयुर्वेद को उसके स्थान तक अवश्य पहुंचाए। पुनः पुनः इसको जीवन दान देने की आवश्यकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।